भाई जब आप देख रहे हैं चैनल टेली खजाना, तो ऐसे में वोटिंग ट्रेंड की बात करना तो इस चैनल में लाजमी है। वोटिंग ट्रेंड बताऊंगा आपको दोस्तों कि अभी एग्जैक्ट तरीके से क्या चल रही हैं चीजें और कौन आगे बढ़ रहा है कौन पीछे है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल टेली खजाना। मैं हूं यारों का यार होस्ट राहुल बोझ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों ने अगर मेरे नए चैनल राहुल बोझ कॉमेडी को अभी तक नहीं देखा है, कॉमेंट सेक्शन में लिंक पेस्ट कर दिया है। यारो जाओ, जाकर वहां पर ढेर सारा प्यार बरसाओ। अब जैसा कि हम सबको पता है कि अभिषेक मल्हान, एलविश, प्रियंका, मनीषा, मैं बार बार उसको प्रियंका कहने लग जाता हूं, मनीषा, पूजा और साथ ही साथ बेबिका, ये पांचों इस हफ्ते जो हैं फिनाले पे आ चुके हैं। वोटिंग ट्रेंड की अगर बात करें दोस्तों, तो वोटिंग ट्रेंड में बहुत बड़ा एक अमाउंट सामने आया है। नंबर वन पे एलविश ही बने हुए हैं दोस्तों। और आपको बता दूं तो अभी इस वक्त जिस वक्त मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, मे बी आप जब तक देखें तब तक ज्यादा टाइम हो जाएगा, 20 लाख प्लस उन्हें वोट मिल चुके हैं। कैन यू बिलीव दैट, 20 लाख प्लस वोट्स उन्हें मिल चुके हैं, विच इज वेरी ग्रेट। एलविश नंबर वन पर है। नंबर टू पे दोस्तों पता है कौन है? फुकरा इंसान, 19 लाख वोट के साथ। जी हां, 19 लाख लगभग उनको वोट मिल रहे हैं। नंबर तीन पर बैठी हुई है मनीषा रानी, और आपको बता दूं तो मनीषा को लगभग 12 से 13 लाख वोट मिल रहे हैं। मनीषा की हालत जो है वैसे तो बहुत अच्छी है अगर देखा जाए तो, लेकिन कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स फुकरा और साथ ही साथ एलविश, इनकी आर्मी बहुत बड़ी है और इस वजह से ये जो है वोटिंग ट्रेंड पे फर्स्ट टॉप पे चल रहे हैं। अगर यहां पर मेकर्स जो है वोटिंग को कंसिडर करें, जैसा इन्होंने बिग बॉस सीजन 16 में किया था, एमसी स्टैन जैसे को जिताया था, तो एलविश कहीं ना कहीं जीतेगा। लेकिन अगर पूरे डे वन से जर्नी और सब चीज काउंट करें तो अभिषेक मल्हान के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। नंबर फोर्थ पे हैं ऑफ कोर्स एज यूजुअल पूजा भट्ट, पूजा को भी ठीक ठाक वोट मिल रहे हैं। और नंबर फाइव पर हैं दोस्तों बेबिका रानी। बेबिका को जो वोट्स मिल रहे हैं दोस्तों वो न के बराबर है, लिटरली न के बराबर है। आपको बता दूं तो अगर जिया अगर वोटिंग में होती 101% दोस्तों, जिया वोटिंग में एटलीस्ट बेबिका और पूजा से तो आगे ही होती, और जिया हो सकता है कि मनीषा के बाद होती। सो ये इस वक्त का अभी का वोटिंग ट्रेंड है एग्जैक्ट। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको सारी बातें बताऊंगा वोटिंग से जुड़ी हुई। आपको बस क्या करना है, बने रहना है चैनल टेली खजाना के साथ। वैसे आपको बता दूं दोस्तों, तो एलविश की आर्मी ने 3 लाख प्लस जो है बवाल मचाया था, और वो बहुत बड़ी बात होती है। बाय बाय।